ये देखो भाइयों, ये हमने लाइफ जैकेट पहन ली है, ये कंपलसरी हो गया अब लेक में जाने से पहले। दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं बड्डे वाले दिन, काफी अच्छा लगा मंदिर आके। एक्सीडेंट हो गया भाई, ये कुछ हो गया। इसमें आया था भाइयों आपका 53.7। तो देख लो उसकी बहने के निशान भी बन रखे। हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू योर चैनल। गुड मॉर्निंग भाइयों, स्वागत है आपका #day3in Nainital 2024 में। तो आज का अपना लास्ट डे होने वाला है नैनीताल में, निकलने का सोचेंगे। और जैसे कि पिछली वीडियो में भाइयों अगर एंड तक आपने देखा होगा तो अपना 12 बजे के बाद बर्थडे बना था, तो आज बर्थडे। तो देख लो अपना गिफ्ट वाले कपड़े आज पहन रखे हमने, रेड कलर की जैकेट वगैरह। तो ऐसा कुछ अपना रहने वाला आज का आउटफिट। और भाइयों आज का थोड़ा शेड्यूल ऐसे रहेगा, जैसे नैनीताल में है ही और फिर यहाँ से पास में ही है कैची धाम, तो बर्थडे भी है प्लस ट्यूसडे भी है, तो एक बारी को और दर्शन कर लेते हैं बाबा जी के और अच्छा हो जाएगा। और टाइम देख लो 10:59 हो चुके हैं भाइयों, आज काफ़ी लेट हो चुके हैं। चेकआउट टाइम है यहाँ पे 10 बजे का, बट वही है एक आध घंटे का ऊपर नीचे हो जाता है, तो वही 11 बजे अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। का तो थोड़ा ब्याह वाला सा आउटफिट हो गया था, बट आज का फिर भी थोड़ा घूमने लायक है, ढंग का है। तो चलो भाई अब आगे दिखाते हैं आपको और क्या क्या करते हैं आज हम। ये भी अपनी तैयार हो गई है, देखो कैसे मस्त है, इसका हेयर स्टाइल बना के बैठी हुई है, फोन चला रही है। और देखो तो सही, छोटे छोटी उंगलियों से कैसे फोन चलाती रही हो। अरे बस बस ठीक है, बैठी रहो, पड़ गई गले भाई, गलत छेड़ दिया इसको। तो भाईयो हम जा रहे हैं बोटिंग करने, क्योंकि नैनीताल में आए और लेक में चप्पू ना चला है, तो क्या खाक नैनीताल है बताओ वो। बिल्कुल। तो बस भाइयों वही करने जा रहे हो, देखो हमारी भाभी पेपर देने जा रही, देखो बस्ता भी ले और वो भी ले। और हम बॉयज कैसे जाते थे, सिर्फ एक पेन, वो भी विदाउट ढक्कन। आ गए हैं भाइयों अगेन पुरोहित पे, तो क्या बढ़िया है टेस्ट वगैरह ना इसका, इसलिए अगेन 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 भाइयों अगेन। टाइम हो गया 12:04, अपना नाश्ता वगैरह सुबह का तो डन हो गया, अब चलेंगे भाइयों बोटिंग वगैरह करने। काफी बड़ी सी लेक है भाइयों, आज तक ना इसकी गहराई भी नहीं नपी है कि कितनी क्या गहरी है, और मेरे ख्याल 4-5 किलोमीटर तो होगी लंबाई वगैरह इसका, मतलब पूरा जितनी है ना लंबी वो। बाकी चलते हैं नीचे, चल के दिखाते हैं अब आप। झील का पूरा चक्कर 420 का है, आधा चक्कर 320 का है। जी का मंदिर भी है भाइयों, ओम नमः शिवाय। ले लिए भाइयों नाव की टिकट और यहाँ पे एरी नाव। और ये देखो भाई साहब, नहीं 4-5 किलोमीटर तो नहीं, ये 1-2 किलोमीटर लंबी हो सकती है लेक, और गहराई तो देखो नहीं पता कितनी क्या गहरी है। ये देखो भाइयों, ये हमने लाइफ जैकेट पहन ली है, ये कंपलसरी हो गया अब लेक में जाने से पहले, ना बोट में जाने से पहले जैकेट पहना देते हैं, सबको पहना दिए सबको। बस ये एलू की साइज की नहीं है, इसके साइज की नहीं है बस, बाकी सब ने पहन लिए जैकेट। यार ये देखो इनका तोपू भी सेम सेम। लो अपने बॉस चढ़ गए हैं और मम्मी चढ़ गई है। बताओ किसमें, वजन के हिसाब से बता दो किसमें बैठा जाए। इधर तो ये अपनी बोट चालू हो गई है भाइयों। यहाँ पे ना ऐसा हिसाब है, मतलब अगर आप बोट करते हो ना तो 3 ही बंदे एक बोट में अलाउ होते हैं, तो जैसे कि हम 5 हैं और इसको आयरन को मिला के 6 हैं, तो इसलिए 2 बोटें करनी है, एक में पापा मम्मी बैठे हैं, एक में हम लोग बैठ गए हैं। देखो इनकी फोटो शूट वगैरह चालू हो गए हैं, पापा मम्मी वहाँ चले गए हैं, वो देख लो पागल है। Thank you.
करी है भाइयों 320 वाली, जो कि 20 से 25 मिनट वाली है, और आधा चक्कर बोलते हैं इसमें झील का आधा चक्कर। एक वो 420 वाली थी जिसमें झील का लगता है पूरा चक्कर, और वो करीब आपकी 40 मिनट तक की चलती है। लो ये लो, ये लो भाई, वो सप्लाई चल रही है चश्मे की। ये तो एक और होगा, देखो देखो उतारो, अब अपने उतारो भैया, उनका चेयर पकड़ो, चेयर का हैंडल पकड़ो, थोड़ा हाथ खींचो पहले, खींचो। ये सर आप छोड़ दो, वो हैंडल छोड़ो, आई डोंट थिंक अपने नहीं इनको पकड़ना है, अपनी तरफ मिलाना है। हां भैया आप पकड़ो उनके मोबाइल, मतलब ये मेरे पे मोबाइल सीजन अभी ना ऑफ ही हो चुका है नैनीताल वगैरह का, मतलब 9 तारीख या 9-10 तारीख तक ऑफ हो जाता है। 1-5 तक में तो भीड़ रहती होगी भैया, है ना? तो 1-5 तक की तारीख में तो भीड़ रहती है, उसके बाद तो खाली हो जाता है, मस्त अपना एंजॉय कर सकते हो, खाली खाली रहता है। ये क्या बोट भी काफ़ी कम दिख रही है इस टाइम झील में, बाकी मज़ा बहुत हो गया है क्योंकि धूप भी आ गई है ना, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है और धूप भी आ रही है, तो मज़ा लग रहा है। पीछे का सीन ना, पीछे का सीन भाई वो बहुत सुंदर आ रहा है। तो देख लो भाई, और जैकेट में ना सीटी भी मिलती है, ताकि कहीं आप डूब रहे हो तो इसे बजा लो, दूर तक आवाज आ जाए, आप लोगों को देख के बचाने आ सकते हैं लोग। ये सारा अपने लेफ्ट हैंड पे मॉल रोड दिख रहा है पूरे में, यहीं अपना ऊपर जाके होटल भी है, और जहाँ भी खाना वाना खाया था पुरोहित वो भी है आगे को। ये आई गया अपना स्टॉप, हो ही गया है भाइयों, भाई गए हैं यहाँ पे किनारे पे, आधा चक्कर घुमा के ले आए हैं, मज़ा आ गया है, काफ़ी अच्छा लगा एक्सपीरियंस। बाकी ना सीन, मतलब जो लोकेशन है ना वो काफ़ी सुंदर है देखने वेखने की, पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं, पानी दिख रहा है, ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। सो आज भाई वो बोटिंग करके मज़ा आ गया, बोटिंग अपनी डन हो चुकी है, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, हम सब ये आ चुके हैं। ये खड़ी भाई अपनी गाड़ी नीचे डिज़ायर और पंच के बगल में, ये री भाइयों गाड़ी, 2 दिन बाद दर्शन हुए हैं, गंदी काफ़ी हो गई है और ओस आई होगी इस पर, तो देख लो ओस की बहने के निशान भी बन रखे, तो दो दो चिड़ियाँ ऐसे चिचियाती हुई आई भाई, हवाई ले गई मेरी तो, एक लग रहा है हल्के की झाड़ू मारनी पड़ेगी गाड़ी में। ओ ये क्या हो गया, हल्का निशान देखने को मिला है, बाकी ये तो अपना पुराना ही है, ये वाला ये भी है, ये लग रहा है गेट वेट खोले होंगे ना बगल वाली गाड़ी, जो एक उस दिन बुलेरो खड़ी हुई थी उसके लग गए होंगे। चलो कोई नहीं, हाँ लॉक हो रही है। उस दिन भाई जब पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी है तो 422 चल गई है, 17,865 किलोमीटर। तो भाइयों पार्किंग वाले इतने, मतलब वो है ना यहाँ के इतने रूड हैं, 120 की है एक दिन की, अभी कह रहा है कि 10 बजे का चेकआउट होता है, और 11 बजे तक करता तो भी मैं मान लेता, लेकिन 240 हमने कहा यार 150 लगा ले, घंटा भर तो हमें पार्किंग में लग गया भाई, मतलब इतनी लंबी चौड़ी लग रही ना इधर पार्किंग में तो सेल्टोस, वो ऐसे चिल्ला चिल्ला कह रहे अरे यार तुम अपनी गाड़ी दबा के रखो, ये चौड़ी गाड़ी है ये नहीं निकल पाएगी, और देर देर अल्टी का भाई ऐसे आंख बंद करके निकले जा रही स्टैंड बना रखा है सालों ने पार्किंग के नाम, और प्लस रूड भी बहुत है, माने ही नहीं, मतलब टूरिस्टों के कोई वो ही नहीं है, बट चलो हाँ। फिर हमारा देखो लड़ने वड़ने का कोई मन तो था नहीं, मैंने भी फिर कहा दिल्ली अपना होता फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे ख्याल यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर आगे से राइट है, यहाँ से नहीं है एशिया, नहीं नहीं यहाँ से नहीं है, यहाँ से गाड़ी ही नहीं जा पाएगी, पतली गली है, गाड़ियाँ तो खड़ी है, तो चलो यहाँ से चल लो। तो बस भाइयों पार्किंग वालों का तो यही है, सबसे बढ़िया है भाई कि अगर कोई पार्किंग वाला होटल मिल जाए ना, तो चाहे थोड़ी आगे पीछे दूर थोड़ा मिल जाए, लेकिन सबसे बेस्ट है अपना पार्किंग वाला होटल देख लो, नहीं गाड़ियों के ना पार्किंग में 2 तो निशान दिख गए पार्किंग में गाड़ी पे, है ना, फिर उसके बाद 240 रुपये भी लिए, और निकालने में इतनी माथा पच्ची हुई ना, बहुत माथा पच्ची, पार्किंग में लग रहा है सेल्टोस कितनी बड़ी बड़ी सी गाड़ी लग रही है, और कोई बड़ी गाड़ी होती तो क्या ही हाल होता, ये सीन होता। हाँ तो सब वो जो होटल पे से आ गए थे भाई वगैरह, उनने सब सामान रखवा दिया भाइयों, अपनी डिग्गी फिर से स्टोर हो गई है,
बाकी यार डिक्की के मामले में ना एक नंबर गाड़ी है डिक्की के लिए, तो 100 में से 100 ले लो। पांच बंदों के बड़े बड़े 2 अटैची के बाद भी ना हल्का फुल्का छुटर पुटर स्पेस देख रहे हो, ये उतना स्पेस है जितना आपकी सफारी XUV 700 वगैरह में बचता है ना, आता है 7 सीटों के बाद, उतना स्पेस इसमें तब मिल रहा है जब फुल हो गई है डिक्की। बाकी अब नॉर्मली यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सामान है, मतलब सामान के स्पेस के मामले में ना एक नंबर गाड़ी है भाई, 5 बंदों के लिए से बेस्ट गाड़ी नहीं है। गया भाइयों 1:43 वगैरह कर ली, नाश्ता वगैरह कर लिया और पार्किंग से गाड़ी निकाल लिया, सब काम कर लिया, बस एक कठिन काम यही था भाई वो गाड़ी पार्किंग से निकालना और वो हो गया। अब जा रहे हैं भाइयों हम, जैसे कि मैंने सुबह बताया था मंगलवार भी है प्लस बर्थडे भी है, तो इससे बढ़िया दिन और कौन सा हो सकता है, तो इसलिए जा रहे हैं बाबा जी के दर्शन करने आज एक और बार फिर, तो चलते हैं भाइयों अगेन। 22 मिनट का रास्ता है और 8.6 किलोमीटर दूरी है, प्लस चल रही है भाइयों अपनी गाड़ी, पहाड़ी रास्ता ही है सारा, मस्त जा रहे हैं। एक तो गर्मी से हो गई है, आज गर्मी लग रही है तो हमने AC भी खोल रखा है, और अब कितने की रेंज दिखा रही है, 388 की रेंज दिखा रही है गाड़ी, मस्त चल रहे हैं भाइयों, जय बाबा की। ये देख लो भाइयों आगे चल रहा है आर्मी का ट्रक, और आर्मी के ट्रक के पीछे ही लगा रखी है हमने गाड़ी, उससे क्या फायदा हो रहा है आगे से कोई भी बस ट्रक वाला आ रहा है ना वो तो अपना खुद ही दबा ले रहा है, क्योंकि भाई आर्मी को पहले देते जाने की जगह लो, ये काफी अच्छा लगता है देखने में और उससे थोड़ा सा अपने को ही बेनिफिट हो जाता है। ट्रक देखो कितना ऊंचा है, सस्पेंशन देखो नीचे का, मतलब ये वही ट्रक होते हो कि चट्टान पत्थर वगैरह से भी निकल जाते हैं आड़े टेढ़े हो हवा के भी, ये होते ही भाई स्पेशल है और सिर्फ आर्मी के लिए ही अवेलेबल होते हैं, और है ये टाटा का ट्रक, टाटा बनाती है, इनके नंबर भी भाइयों एकदम डिफरेंट होते हैं, नॉर्मल हम लोगों की गाड़ियों जैसे तो होते ही नहीं है। बाकी ऊपर आर्मी भी बैठी हुई जा रही है, अभी हाय हेलो भी हुई थी हमारी, देख ही रहे हैं वो लोग। 2:20 हो गए हैं भाइयों और हम पहुंच गए हैं मंदिर के पार्किंग में, खड़ी हो गई है गाड़ी अपनी, ये देख लो बॉस की अपनी यहाँ पे तैयारी चल रही है कपड़े चेंजिंग की। दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं बड्डे वाले दिन, काफ़ी अच्छा लगा मंदिर आके, बहुत मतलब सही रहा, सही डिसीजन रहा मंदिर आने का मंगलवार का, बहुत मज़ा आ गया। और अब थोड़ा सा यहाँ पे चाय वाय खाने पीने और पकौड़े शकोड़े खाने पीने रुके हैं, फिर सीधा गाड़ी में बैठेंगे और गाड़ी सीधी लगानी है भाई, बीच में कहीं रुकेंगे थोड़ा बहुत स्टॉप लेंगे वरना फिर घर निकलेंगे। 3:33 हो गए हैं भाइयों और निकल गए हैं अब हम लोग यहाँ से, सब लोग बैठ गए हैं आराम से, मस्त दर्शन हो गए हैं बाबा जी के, अब चल रहे हैं आगे और सीधा लगाते हैं गाड़ी घर की, और बीच में कई स्टॉप लेंगे खाने पीने का और सीधा लगाएंगे घर को। तो कितने 357 किलोमीटर, ओके तो 357 किलोमीटर गाड़ी चल गई अपनी सेल्टोस। अब रेंज कितनी दिखा रही है, 389, तो 389 की रेंज है अभी भी, 318 दिल्ली है, तो देखते हैं बीच में शायद कहीं ना कहीं रिफिल तो कराएंगे, वो भी कोई नहीं, एंड में जाके हम सारा एड ऑन करके जोड़ जाड़ के देखते हैं कितना कुछ बैठती है इस गाड़ी की एवरेज ओवरऑल। बाकी भाई वो गाड़ी एक नंबर है स्पेस स्पेस के मामले में भी, प्लस पूरा दो दो बड़े बड़े अटैची भी आ जाती हैं आपकी, उसके बाद भी थोड़ा मोड़ा स्पीड बच जाता है, पेट्रोल में अब करके एवरेज भी सही देने लग गई है, और बीच का जो कैबिन स्पेस है वो तो एक नंबर है, मतलब 5 बंदों के लिए ना एक नंबर गाड़ी है। प्लस भाइयों ये वाला बर्थडे काफ़ी स्पेशल हो गया मेरा, मतलब 3 दिन काफ़ी अच्छे से घूम फिरना हो गया, काफ़ी मज़ा आ गया, नैनीताल पहली बार लाइफ में एक्सप्लोर करा है और काफ़ी अच्छा रहा भाइयों, मतलब कुछ पता नहीं था हमें नैनीताल के बारे में, ना होटल पता थे ना घूमने वाली जगह पता थी, बट यहाँ पे आए होटल भी मिल गया और बंदे ही मिल गए घुमाने फिराने वाले, सबका नेचर काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, कोई ज़्यादा वैसे नहीं है, बस एक थोड़ा पार्किंग वालों का रूट था नेचर, बाकी सब ओके रिपोर्ट थी। तो भाइयों अभी अभी थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, एक बाइक घुस गई इनोवा में, यहाँ गाड़ियों का स्टैंड, ये देख लो भाइयों भीमताल आ गया है यहाँ पे, ये बगल में अपने भीमताल चल रहा है सारा, क्या करेंगे यही तो है, लेक ही तो है, चल लो यार ट्यूब भाइयों, बारिश और धूप दोनों चीजें देखने को मिल गई है, ऊपर देख लो सनरूफ के ग्लास में कितना पानी देखने को मिल रहा है, और ये फ्रंट वाले शीशे का भी हाल है। कहते हैं जब बारिश और धूप होती है तो भूतों का ब्याह होता है, ये कहते खाना खाने और अपोजिट डायरेक्शन में
रेनबो बनता है। तो मौसम काफी अच्छा सा हो रखा है, बारिश होती है तो देख लो भूतों का ब्याह हो रहा है। इनके सगे वालों ने इन्हें बुलाया था, व्यू काफी मस्त आ रहा है। खाने वाले एरिया भी तो बहुत ही अरे भाई साहब 9:10 हो गए हैं भाइयों। अभी थोड़ा यहाँ पे रुका है क्योंकि टॉयलेट वगैरह आ गई थी, इस वजह से हमने ना मतलब हल्द्वानी रुद्रपुर वगैरह सब क्रॉस कर दिया। अब अपना रामपुर चल रहा है और यहाँ पे रुके हैं, गाड़ी को अभी यहाँ पे रोका है, थोड़ा सा टॉयलेट वगैरह फ्रेश हो ले फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। गाड़ी की पीली बत्ती जल गई है पेट्रोल की, और किलोमीटर कितने हो गए हैं? किलोमीटर भाई साहब 635 टोटल बताना वो कितने हो गए हैं? 17,000 है, 18,163 और वो उसमें कितने 635 जो हमारी ट्रिप हुई है, तो 719 की रेंज दिखाई थी, 635 चली है। देख लो भाइयों इंडियन ऑयल पे हम आ चुके हैं, पेट्रोल तो रिजर्व में कितनी चल गई अब बताना टोटल किलोमीटर 18,178 कितनी चल गई है 63 से 18-15 मतलब? किलोमीटर अभी हम चला चुके हैं रिजर्व में, अभी 38 की रेंज आ रही है, यानी कि 650 किलोमीटर ओवरऑल अपनी चल गई। तो 650 किलोमीटर से हिसाब करेंगे जो भी वो वाला था अपना पहले वाले ब्लॉग में जो देखा था आपने। 1050 का होटल आ रहे हैं यार इसमें पेट्रोल, क्योंकि ये हो गई थी नील अब तो जो खैर जाके खड़ी होनी है गाड़ी, इसलिए अब थोड़ा इतना डला के खड़ी कर देंगे। अब एक्सीडेंट हो गया भाई, ये कुछ हो गया आगे कुछ गए घुस गए हैं एक में, और अब जाम भी लग गया यहाँ पे, बड़ा आवाज आई थी बड़ा लग रहा है। हिल गए हैं सारे निकाल। नौ बज के 54 हो गए और पहुंच गए हैं, गाड़ी लग रही है अपनी पार्किंग में। भाइयों नोएडा पहुंच चुके हैं, जैसे कि मैंने अभी दिखा दिया था गाड़ी पार्किंग में लग रही थी, नोएडा पहुंच चुके हैं और ये देख लो अब यहाँ पे आ चुके हैं। ये अपना वही सदाबहार यहाँ पे गब्बर है, वही अब खाते पीते रहते हैं, तो घर के पीछे ही है ये, वही पड़ जाता है पास में ही, तो यहाँ पे खा पी के फिर निकल लेंगे।
बर्थडे अपना बन गया है और अब जा रहे हैं घर को। सब थक चुके हैं काफी अच्छे खासे फुल इंजॉयमेंट के बाद। भाइयों 11:13 हो गए, गाड़ी लग गई है घर पे। वो घर पे भाई गली में देखो रोड बना दी, वाइट पट्टी है देखना पूरी, ऐसा लग रहा है रोड पे घर हो गया हमारा। ये देखो रोड बन गई पूरे में। बाकी ये खड़ी भाइयों अपनी वैगनार, इसे मिल गया 3 दिन का रेस्ट। नहीं है कुत्ते खचेड़ी की तरह चलती रहती है। और हाँ भाइयों अब करते हैं, मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा कितने पे पेट्रोल डला था और कितने पे ख़त्म हुआ है। तो ओवरऑल उस बीच बनाया अपना 650 किलोमीटर, ठीक है। 650 किलोमीटर को मैं डिवाइड करता हूँ जितना लीटर आया था। इसमें आया था भाइयों आपका 53.74, तो 12.95, तो 12 की एवरेज दी है इस पेट्रोल सेल्टोज ने, जो कि इस बार काफ़ी कम लगी। प्लस ये भी कह सकते हैं भाइयों दो बार कैची धाम हो आई, फिर नैनीताल में भी घूमे। बाकी ये था इस बार नैनीताल में ले जाके बस गाड़ी हमने खड़ी कर दी थी, ज़्यादा नैनीताल में तो नहीं चलाई है, बट पहाड़ों पे भी सही अच्छी खासी चली है। बाकी अभी आपने बीच में शॉर्ट्स देखे होंगे, 125 तो बस दिखाई थी मैंने, बाकी अच्छी खासी बोस ने बोस एक्सप्रेस बना दी थी इस अपनी किया सेल्टोस को। फॉर्चुनर ले, क्रेटा ले, मतलब जो भी कोई गाड़ी थोड़ी सी सही चल रही थी ना स्पीड में, सबको पीछे करते करते इनने बोस एक्सप्रेस बना दी। और तैड़ पैड़ भाइयों 3:30 के निकले थे और देख लो मस्त, जबकि रुकते रुकाते आए हैं, कोई ऐसे भी नहीं, तब भी एकदम खींचा तानी में मस्त टाइम से पहुँचा दिया। गाड़ी की भाई पूरी पूरी प्रैक्टिकल है, 5 बंदों की भी अगर आपकी फैमिली है ना और समझ में आ रही है सेल्टोस, तो मेरे हिसाब से भाई वो आँख बंद करके तुम लोग जा सकते हो सेल्टोस पे। जैसे पार्किंग की स्पेस की वो रहती है ना यार दिक्कत वगैरह, अब सेल्टोस ऐसा है ये, मतलब इसका साइज़ ऐसा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ओवर नहीं है, तो ना जिसको भी टाइट स्पेस है पार्किंग का, मेरे को तो कोई भी टाइट स्पेस नहीं है, कितनी मर्जी गाड़ी ला के खड़ी कर दो, बट जिसका है भाई हो तो उसके लिए ना काफ़ी परफेक्ट, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी और काफ़ी ना मतलब परफेक्ट फैमिली कार है भाई ये। पीछे मैंने बूट स्पेस दिखाई दिया, पूरा भरी पड़ी है गाड़ी। फिलहाल अभी तो हालत नहीं है हमारी उतारने की, हम अभी गाड़ी में छोड़ देंगे, हम खाली करेंगे इसको सुबह। ये देख लो ऊपर तक ये अटैची भरी पड़ी है ना, इतनी जगह है ये खिसक के ना शीशे पे टिक गई है, क्योंकि इस बीच काफ़ी जगह है। तो बस भाइयों यही था ओवरऑल, पूरे 3 वीडियो बन गई हैं अपने बर्थडे पे। इस साल का 2024 का बर्थडे बहुत बढ़िया रहा यहाँ सेल्टोस के साथ और फैमिली के साथ, और आप लोगों के साथ भी, जो भी मेरी अभी छोटी सी फैमिली है। तो थैंक यू सो मच भाइयों, इतना मतलब प्यार आप लोग दिखाई रहे हो, अच्छा लग रहा है, काफ़ी बढ़िया मज़ा भी आ रहा है। तो बस भाइयों अब भाइयों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, ये तो व्लॉग्स रहे थे और अब गाड़ियों के बारे में भी आएंगी वीडियोस, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय भाइयों।